आपका केमिस्ट सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये बच्चों 10th क्लास की फिजिक्स की क्लास, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो अभी लास्ट में जो क्लास ली थी हमने सैटरडे को, वो केमिस्ट्री क्लास थी, आज ये फिजिक्स की क्लास है। चलिए शुरू करते हैं अपना। तो बच्चों आपने अब तक इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, आप पढ़ चुके हैं जो रेजिस्टेंस, और आज पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स डेरिवेशन, और पढ़ेंगे बच्चों हम लोग हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने लास्ट इसमें चार्ज क्या बताया था आपको अच्छी तरह याद है कि चार्ज किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के किसी बॉडी पर से ट्रांसफर हो जाने के कारण, अर्थात हम ये कहें बेटा इट मीन इफ अ बॉडी ट्रांसफर आ इलेक्ट्रॉन दैट सम इफेक्ट आर जनरेट ऑन द कंडक्टर दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दो टाइप का, कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? आपकी कूलम्ब। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का? क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है इसमें? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों अब आपके आगे बढ़ते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आपको पता है बच्चों द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। द यूनिट इज एम्पियर एंड अदर यूनिट इज कूलम पर सेकेंड। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और आई की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और इसके अदर यूनिट है कूलम पर सेकेंड। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। कंडक्टर, बेटा कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मेटेरियल होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट इजिली एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो जाए, उसे कहते हैं कंडक्टर। यदि हीट एक एंड दूसरे एंड पर ट्रांसफर ना हो वो होता है इंसुलेटर। तीसरा टाइप बचा हुआ हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नॉर्मली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मगर सम स्पेशल कंडीशंस में वो कंडक्टर के तरह बिहेव करने शुरू कर देता है, जैसे वुड, लकड़ी। अगर लकड़ी सूखी है तो वो क्या है? इंसुलेटर है। यदि लकड़ी में मॉइस्चर आ जाए तो वो लकड़ी है हमारी किसी तरह बिहेव करनी शुरू कर देगी बच्चों? वेरी गुड, कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। बेस्ट कंडक्टर बेटा हमारा है गोल्ड, नहीं सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, और इंसुलेटर क्या बेटा हमारा? रबड़, प्लास्टिक। आगे चलते हैं बच्चे हम लोग। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या बताया आपको, जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय वी। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वह वर्क उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और इसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला बनता है बच्चों वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डब्ल्यू क्या है? वर्क। क्यू क्या है? चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होगी बच्चों? आपकी जूल। ठीक है, और वी क्या आपका? वोल्ट। क्यू क्या बेटा आपका? चार्ज। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज टू बी डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ सर्किट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन
दोज पॉइंट, यदि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क क्या कहलाता है, उन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में यही फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच में होता है। आगे बात करें बच्चे हम लोग, फॉर्मूला दोनों का सेम है, V इज इक्वल W अपॉन Q। ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है बच्चों आपका ये, और आगे भी चांस रहते हैं ओम्स लॉ पूछा जाए। ओम्स लॉ होता क्या है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, यानी रिमेन सेम, यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज ना की जाए तो द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाए तो उसमें फ्लो होने वाला करंट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यदि आई करंट और बी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है इसके, तो V इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आई आर। तो R क्या है पर कांस्टेंट, और R ही कहलाता है हमारा रेसिस्टेंस। अब फॉर्मूले बेटे तीन बन गए यहाँ पर हमारे, I इक्वल टू V अपॉन R, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन I। आगे चलते हैं, इतना आप नोट सब नोट कर चुके होंगे, डेफिनेशन भी। तो अब चलते हैं बेटा हम लोग आज के टॉपिक की ओर। ये सिंबल हमने कल पढ़ाई देते बच्चों आपको, ये इसके साथ सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, एक सिंबल किसका होता है हमारा बैटरी का। यदि देखो एक सिंबल किसका होता है, ये इस तरह सेल, यदि एक ही वायर में दो सेल जोड़ दिए जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बैटरी बन जाएगा। तो आगे चलते हैं बेटा, ये है की का वर्क क्या होता है, करंट के फ्लो को सर्किट में फ्लो को बनाए रखना या फ्लो को रोकना, ये वर्क होता है बच्चों की और स्विच का। ये सिंबल है रेसिस्टेंस का बेटा। ये रियोस्टेट, रियोस्टेट वर्क होता है किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर, उसको कि सर्किट में रेसिस्टेंस को चेंज करना जिससे करंट की वैल्यू आपकी चेंज जाए। ये वोल्टमीटर, वोल्टमीटर यूज होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना किसी भी कंडक्टर में। ए सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करना, यह अमीटर का वर्क होता है। अमीटर से करंट की वैल्यू नापी जाती है और पोटेंशियल वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस की। अब अमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस देखते हैं बच्चों, यहां से नोट करना इसको आज दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर, चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए अमीटर इज यू, ये पूरा करना है यहां तक लास्ट तक सिंबल बी तक। अमीटर इज यूज टू मेजर करंट, अमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है, करंट को मेजर करने में। इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस टू पॉइंट, यानी दो पॉइंटों के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। रेसिस्टेंस इज लो, इससे क्या अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है जबकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, हाई होता है। अब देखिए ये मेन पॉइंट है, इसे याद रखिएगा बच्चों, ये इट इज कनेक्ट इन सीरीज विद द सर्किट एंड इट इज एक्यूरेसी इज मोर, यानी हमेशा अमीटर को सीरीज सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इट इज कनेक्ट इन पैरेलल विद द सर्किट इट इज एक्यूरेसी इज लेस। देखिए और वोल्टमीटर को रेजिस्टेंस के सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसकी एक्यूरेसी कम होती है और अमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा होती है। चेंज ऑफ रेंज इज नॉट पॉसिबल, इसकी रेंज को चेंज करना पॉसिबल नहीं है मगर वोल्टमीटर की रेंज को चेंज करना पॉसिबल होता है। फॉर आइडियल अमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज जीरो, आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा आपका, जीरो होगा। फॉर आइडियल वोल्टमीटर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अब बच्चों आप आगे देखिए, इट इज डिनोट बाय सिंबल ए, यानी अमीटर को ए से डिनोट किया जाता है और वोल्टमीटर को किससे बच्चों, बी से डिनोट किया जाता है। अब चलते बच्चों अगले टॉपिक की ओर, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए अब हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन, आपको ये पूरा ऐसी नोट करना से दिखाई दे रहा है आपको। हेडिंग क्या बेटा आपका, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आई, किसका, वी अपॉन आई का रेशियो क्या है, एक कांस्टेंट होता है।
ठीक है, और उस कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं। यानी जब हम वी और आई का रेशियो कॉन्स्टेंट है, यानी हम लोग क्या करें, यदि हम करते हैं 4/3, 4/6, तो रेशियो क्या आएगा बच्चों आपका 2/3। यदि हम करते हैं बच्चों 10/15, अभी रेशियो क्या है आपका 2/3, मतलब कि सही में एक ही रेशियो मिलेगा आपको। यानी क्या मिलनी चाहिए आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज ए स्ट्रेट लाइन। यानी आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ मिलेगा, क्या मिलना चाहिए आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। ठीक, अब आगे, टू वेरीफाई दिस लॉ टेक ए वायर इट इज कनेक्ट इन सीरीज विद ए बैटरी रियोस्टेट अमीटर एंड की अकॉर्डिंग टू फिगर। हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या लेते हैं, हम लोग एक वायर लेते हैं, वायर ये बेटा इसमें रेजिस्टेंस वाली एक वायर लेते हैं, और क्या लेते हैं बेटा हम लोग इसे, और इसे अमीटर के और बैटरी के सीरीज में कनेक्ट कर देते। देखो ये तीनों क्या एक ही लाइन बना है, लाइन होता है सीरीज में, और रियोस्टेट भी क्या आपका बच्चों सीरीज में। अब और वोल्ट मीटर का कहां अटैच करते हैं हम लोग, पैरेलल में, ये पैरेलल में बच्चों आपका, देखिए ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जहां पर जंक्शन बन जाए, यानी एक लाइन ऐसा ब्रेक हो जाए, ठीक है बच्चों, तो वहां क्या बन जाता है आपका, ये पैरेलल। चलिए बच्चों, यानी अब अपने इसको किसको, रेजिस्टेंस वायर को, रियल स्टेट को, बैटरी को, की को और अमीटर को फिगर के अकॉर्डिंग अटैच कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, कनेक्टिंग द की, देखिए की का जो क्या होता है हमारा सर्किट में, करंट की सप्लाई को, सप्लाई के फ्लो को बनाए रखना, तो कनेक्टिंग द की द करंट बिगिन टू फ्लो थ्रू द सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इज रीड अमीटर। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब की को कनेक्ट करेंगे, की को कनेक्ट करने से होगा क्या, सर्किट में फ्लो, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। जब सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, तब वहां से अमीटर से करंट की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस से वी की वैल्यू नोट कर लेंगे, फिर रियो स्टेट से रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, इससे आई की वैल्यू सर्किट में चेंज हो जाएगी, और फिर दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, अमीटर से आई की वैल्यू, आई करंट की वैल्यू नोट करेंगे, और वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस और उनको लिख लेंगे, और बाद में क्या करते हैं बेटा, उन रीडिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, इन दिस वे सेवरल सेट्स ऑफ रीडिंग आर नोटेड, उनको पहले नोट कर लेते हैं। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी अपॉन आई ई सेट, और प्रत्येक सेट की वी अपॉन आई की वैल्यू निकालते हैं, तो यू विल फाइंड द एवरी टाइम वी अपॉन आई ई सेम, और हम हर बार क्या देखते हैं, वी अपॉन आई की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इससे क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने पर क्या मिलता है हमको, द ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, शो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ वायर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर ऑफ दैट इज ओम लॉ इज ट्रू। तो हमने देखा बच्चों, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करा वो क्या स्ट्रेट लाइन आया, इससे क्या होता है बच्चों, हमारा ओम्स लॉ ट्रू हो जाता है, और ये बच्चों आपको बना लेना है। देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सही से देख लीजिए, तो ज्यादा बड़ा हो गया ग्राफ, ये रहा, नोट कर ले, ग्राफ को नोट कर लेना, तो देखिए रोक लिया है मैंने बच्चे इसको। ठीक, आगे चलते हैं बच्चा हम लोग, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है बच्चों, आपका रेजिस्टेंस एक टाइप का होता है, उन्हें कॉम्बिनेशन कितने टाइप का होता है, तो बच्चों रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, देख सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं बेटा, मैंने बताया था ये सिंबल किसका होता है आपका, ये होता है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम। देखिए जब एक रेजिस्टेंस ये रहा बेटा हमारा, ये आर वन ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस बेटा हमारा ये रहा आर टू ओम, यदि इन दोनों को इस तरह ऐड कर दिया जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये बना आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यदि इन दोनों रेजिस्टेंस को एक ही लाइन पर क्या करते हैं हम लोग, एक ही लाइन पर कनेक्ट कर दें, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों आपका आर वन
और आर टू, ये बनेगा बेटा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी जब हम सर्किट पर पैन रखें और जो हमारा पैन विदाउट ब्रेकिंग सभी रेजिस्टेंस पर क्या होता है मूव हो चला जाए, तो सारे रेजिस्टेंस किसमें होंगे आपके सीरीज में होंगे। सबसे अच्छा फंडा याद करने का इनको समझने का कि यदि आप एक नोड पर एक एंड पर पैन रखें और पैन आपका सारे रेजिस्टेंस से होता चला जाए बिना कहीं से क्या हुए लाइन को ब्रेक किए हुए, तो वो सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे बच्चा आपके, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। चलिए बच्चा पढ़ते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो यह जान समझिएगा किसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्ट टूगेदर इन सच वे द सेकेंड एंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्ट टू द फर्स्ट एंड अदर रेजिस्टेंस देन सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक साथ इस प्रकार से जोड़ें कि सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस के इस प्रकार कनेक्ट हो जाए, उन फर्स्ट का एंड दूसरे के फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट हो जाए, जो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब डायग्राम देखो बच्चों इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये रहा आपका, देखिए आर वन आर टू आर थ्री, यानी किसमें कनेक्ट है ये आपके, ये सीरीज में कनेक्ट है किसके साथ, वी वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। और इससे कितनी करंट निकल रही है बच्चों, आई करंट बैटरी से निकल रही है। देखिए याद रखिएगा जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उन रेजिस्टेंसों में आई की वैल्यू सेम होती है और सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और जब तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उस समय आई की वैल्यू अलग अलग होती है मगर पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग इसमें, अब आप समझ लीजिए इसको, लेट इस लेट थ्री प्ले कार्ड के लिखना है यहां पर थ्री, लेट थ्री रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री कनेक्ट इन सीरीज द सेल कनेक्ट टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द आई करंट फ्लो इन द सर्किट। यदि आर वन आर टू आर थ्री को सीरीज में कनेक्ट करें और उन तीनों को वी वोल्ट की बाउंड्री से कनेक्ट कर दें तो उनमें से आई करंट फ्लो हो रहा हो तब द पोटेंशियल डिफरेंस वी वन वी टू वी थ्री अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री रेस्पेक्टली गिव द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है ना आपका, तो वी वन इक्वल टू आई आर वन, यही बताया मैंने आपको सीरीज में आई की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, वी टू इक्वल टू आई आर टू वी थ्री इक्वल टू आई आर थ्री, तो टोटल पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस का टोटल पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, तो वी वन की वैल्यू यहां पुट कर दी आई आर वन, वी टू की वैल्यू आई आर टू, वी थ्री की वैल्यू आई आर थ्री इधर पुट कर दिया और तीनों में से क्या करा बेटा हमने आई कॉमन ले लिया, तो ये होगा वी इज इक्वल टू आई कॉमन है बेटा आपका ये रहा, तो ये होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो यहां बच्चों ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इक्वल टू क्या है वी अपॉन आई और वी इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका आई आर, तो वी की वैल्यू यहां पर आई आर पुट कर दिया हमने, यहां पर क्या पुट कर दिया बेटा हमने वी की वैल्यू आई आर इक्वेशन वन में, तो क्या बन गई आई आर, तो बन गया बेटा आपका आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो आर आई से आई कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखिये आज इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, कल को पढ़ेंगे इसमें हम लोग कौन सा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। चलिए बच्चों बाय।